तो दोस्तों, भारत न सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंपनी टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा जी ने एक सपना देखा था कि हर भारतीय के पास अपनी एक पर्सनल कार हो, जिसके लिए उन्होंने 1,00,000 रुपए में बनने वाली टाटा नैनो को 10 जनवरी 2008 में लॉन्च किया था, जहां पर टाटा नैनो है। कुछ समय तक अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ दिक्कतें आने लगी और कंपनी ने 10 साल बाद या नहीं 2018 में ठंडक प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद कर दिया। लेकिन 1,00,000 रुपए में बनने वाली इस कार की तारीफ भारत सहित पूरी दुनिया में की गई थी कि ऐसा कौन से पहले किसी ने नहीं लॉन्च किया था। लेकिन टाटा नैनो के उसे कॉन्सेप्ट को आप डाटा फिर से ला रही है, जहां पर टाटा नैनो के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में हुए यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल व डीजल के पास बढ़ गए, जिसके चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लोगों ने बहुत तेजी से अपनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारत में भी बहुत तेजी से इलेक्ट्रिकल मार्केट ग्रो करने लगा। और अब कंपनियों के अंदर कंपटीशन आ चुका है कि वह सबसे सस्ती निकाल लेंगे, जिससे भारत के अंदर ज्यादा बिक्री हो सकती है। तो इसी के चलते अपने आप में अनोखी इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया जाएगा, तो 3,00,000 रुपए से भी कम की प्राइस में लॉन्च होगी, जहां पर कुछ रिपोर्ट का मानना है कि इसको न्यू बेबी का नाम भी दिया जा सकता है। और अभी इसे बेंगलुरु स्थित लास्ट माइल गूगल प्ले सर्विसेज सैनिक पॉइंट सीट एंड गो फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्विस में विकसित किया जा रहा है, जहां पर टाटा नैनो की इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करने की कोई भी क्लियर डेट नहीं बताई गई है, लेकिन इसको बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा। वहीं टाटा ने हाल ही में टाटा अभिनया, टाटा नेक्सन टीवी मैक्स और कई जैसे कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च किया है, जिनको 2025 में एग्जैक्टली लाया जाएगा। यह बात की जो कथा विधि के बारे में, तो यह बहुत ही ज्यादा एडवांस कार रहने वाली है इंडियन मार्केट में, जो सिर्फ 30 मिनट चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक की रेंज बैकअप देने वाली है। वहीं टाटा ने डिसाइड किया है कि भारत के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया जाएगा कुछ सालों में, लेकिन उनको लॉन्च करने से पहले उन्हें यूज होने वाले बेटर मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोलर, वोटर और जितने को पोलैंड का यूज किया जाता है, उनका परीक्षण भारत में किया कि इसके लिए कंपनीज बेंगलुरु, गुजरात और भी भारत के कई राज्यों को टारगेट कर चुकी है, जहां पर अपने स्पेशली सेमीकंडक्टर और इसका परीक्षण करेगी, क्योंकि पटाखा मार्केट ना सिर्फ भारत है बल्कि ग्लोबल है, इसलिए बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने के लिए इन चीजों को तैयार किया जा रहा है। तो टाटा नैनो के आने वाले इस कॉन्सर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कितने लोगों ने टाटा नैनो को पसली ड्राइव किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।